Grade 6. I'm your maths teacher, Sabha, और हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक के चैप्टर नंबर थ्री में आपकी एक्सरसाइज थ्री ए की जो हमने क्वेश्चन किए थे उससे आगे वाले क्वेश्चन को सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिए थे फर्स्ट सेवन क्वेश्चन आज हम उससे ऑनवर्ड एक्सरसाइज थ्री एन फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स को कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट हम थोड़ा सा जो कुछ टर्म्स है मैथमेटिकल उनको भी डिस्कस करेंगे सो लेट्स को तो हमने अब स्टार्ट करना है आपकी एक्सरसाइज थ्री ए में रूल्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हमने कवर किए आज जब हम उससे आगे पढ़े हैं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट में हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर एट द मल्टीपल्स ऑफ अब उन्होंने आपको तीन डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए फॉर दिस क्वेश्चन और वो कह रहे हैं कि इन नंबर्स के आपने मल्टीपल्स देने हैं, लेकिन साथ ही एक रेंज दी हुई है कि इन नंबर्स के वाले आपने वो लिखने हैं आपने सिर्फ वो ऑनवर्ड्स जाते रहते हैं ठीक है अब हमें वो कह रहे हैं कि जो शुरू वाले सारे मल्टीपल्स हैं उनको आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दो उसकी वजह क्या है कि आपने सिर्फ बताना है कि हंड्रेड एंड टू हंड्रेड के दरमियान कौन से मल्टीपल्स आते हैं तो ट्वेंटी वन लेकिन वो हंड्रेड में नहीं आता इस रेंज में नहीं फॉल करता तो हम उसको मैंशन नहीं करेंगे हम ट्वेंटी वन का टेबल जो है उसको देखते जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ जाकर किस पॉइंट पर हंड्रेड से ऊपर नंबर आना शुरू हो जाते हैं हमारे पास एंड जब हमने वो लिख लिए हो तो हम वहां पर स्टॉप कर जाएंगे जहां पर 200 से ज्यादा वो हो जाएंगे तो सिर्फ 100 और 200 के दरमियान वाले मल्टीपल्स को हमने मेंशन करना है यहां पर देखिए so, सो ट्वेंटी उसके बाद ट्वेंटी होता है और वो जो है हंड्रेड से ऊपर है तो हम ट्वेंटी सार मल्टीपल्स को नहीं लिखेंगे and then 21, को लिखेंगे as 105. 21, इसके बाद आते उसको हम नहीं लिखेंगे हमने हंड्रेड और टू हंड्रेड के दरमियान आने वाले ट्वेंटी वन के जितने भी मल्टीपल्स थे उनको यहाँ नोट कर लिया तो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल इसको आपने इसी तरह बाकी दोनों पार्ट्स के लिए भी करना होगा 37 के मल्टीपल्स जो फॉल करते हैं 100 और 250 के दरमियान तो आप स्टार्ट इस तरह करो कि 37 के सारे मल्टीपल्स लिखो 37 थर्टी से लेकर आप उनमें से, उन से जितने भी 100 और 250 के दरमियान फॉल करते हैं उनको अलहदा से यहाँ पर लिख लोगे और बाकी सबको इग्नोर कर दोगे सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड इस तरह से ऑल थ्री बी कवर्ड और क्वेश्चन नंबर एट जो है बहुत ईजी है जो आप आसानी से कर सकते हो नॉलेज गो सी क्वेश्चन नंबर नाइन

फिर उनका डिफरेंस निकालें और अगर वो जीरो है या 11 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है वो नंबर 11 से डिवाइड होता है इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल ऑलरेडी दी नंबर्स यहां पर होंगे वन और सिक्स और सिक्स और वन, ठीक है एक छोड़कर जो अगला होता है उसका हम अल्टरनेट कहते हैं सो वन एंड 6 को पहले आप ऐड करोगे 7 एंड देन 6 1 7 सो so, आपने करना है 7 7 दोनों ऑल्टरनेटिंग नंबर्स का जो सम है उसको लिखा सेवन और सेवन और दरमियान में उनको माइनस करके उनका डिफरेंस निकाला आंसर क्या आ गया यू गेट अ सो इफ यू आर गेटिंग अ दैट मींस यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय इलेवन तो इसका मतलब यही है कि ये नंबर जो है इलेवन से डिवाइड होता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट इसका आउटकम जो है वो जीरो आए तो आप कह देंगे कि यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बायन लेकिन अगर यहां पर आंसर डिफरेंस जो है वन आता टू आता या कोई भी नंबर आता जो जीरो नहीं है या इलेवन का कोई मल्टीपल नहीं है तो क्या होता फिर हम कहते हैं कि ये जो नंबर है ये इलेवन का प्रोडक्ट का मल्टीपल नहीं है एंड दैट इज वाई इट कैन नॉट बी डिवाइड बाई इलेवन सेकेंड पार्ट जो है उसमें 54,240 के साथ आपने यही टेक्निक अप्लाई करनी है अब फिर से अपने अल्टरनेटिंग नंबर्स को चूज करें फाइव टू जीरो प्लस टू इज सेवन सेवन प्लस जीरो इज सेवन तो एक साइड पर हमारे पास सेवन आ गया माइनस अब ये जो दो ऑल्टरनेटिंग नंबर हैं दिस वन एंड दिस वन फोर प्लस फोर एट तो आपका आंसर क्या है योर आंसर इज ए नेगेटिव वन एंड दैट्स वाई दिस इज नॉट डिविजिबल बाय इलेवन क्योंकि आपका जवाब जो है वो जीरो नहीं आ रहा आपका जवाब जो है वो इलेवन का मल्टीपल भी नहीं है तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये वाला जो नंबर है इट इज नॉट डिविजिबल बाय इलेवन बाकी सारे पार्ट्स के लिए भी आप इसी तरह ऑल्टरनेटिंग नंबर्स को ऐड करेंगे उनका डिफरेंस निकालेंगे टू सी इफ द नंबर कैन बी डिवाइड बाय इलेवन और नॉट Now, let's look at एक और पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि ऐसा नंबर जो सेवन से डिवाइड हो सकता है लेकिन फोर्टीन से डिवाइड नहीं हो सकता तो कौन सी एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो आप स्टार्ट करोगे रिकॉर्ड मल्टीपल्स ऑफ फाइव फाइव के मल्टीपल्स दोहराना शुरू करो वो का मल्टीपल है वो फाइव से डिवाइड हो सकता है लेकिन 15 से divide नहीं हो सकता पहले ही आपके पास आंसर आ गया इफ यू गो ऑन फाइव टूर टेन टेन भी five से से होता होता। है, नहीं आप को भी यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि ट्वेंटी 5 से डिवाइड होता है लेकिन उठा तो लो कि फाइव का मल्टीपल हो लेकिन फिफ्टीन का ना हो तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो आप इजीली क्लासिफाई कर सकते हो कि कौन से नंबर मल्टीपल ऑफ फाइव बट नॉट ऑफ फिफ्टीन बिल्कुल सेवन और फोर्टीन वाले, वाले क्वेश्चन भी यही करेंगे मल्टीपल्स लिखें और उनमें से देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जोटीन से डिवाइड नहीं होता एंड यू कैन सिंपली राइट दैट इन योर आंसर इसके साथ क्वेश्चन नंबर टेन जो कि काफी आसान था वो भी हमने कवर कर लिया अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन इस क्या है, ये के है कि का करें। कि आपको इसको इस्तेमाल करना आता है? तो वो काफी है किस तरह से हमने देखना होता है नंबर हमने कहा था कि वो टू से भी डिवाइड होना चाहिए और वो थ्री से भी डिवाइड होना चाहिए तो उसके ऊपर टू और थ्री दोनों के डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं तो वही हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे फाइव जीरो फोर सबसे पहले तो देखें कि क्या ये टू से डिवाइड होता है इसके आखिरी यूनिट पे आता है फोर जब आखिरी यूनिट पे जीरो टू फोर सिक्स या एट आते हैं इसका मतलब होता है कि नंबर टू से डिवाइड हो सकता है तो टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्लियर हो गया लेकिन अगला पार्ट ये है कि वी ऑल्सो तो कि थ्री से डिवाइड होता है या नहीं थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है थ्री का डिविजिबिलिटी डिजिबिलिटी so तो होता है, उसके को है कि उसके सम को देखना है या नहीं तो क्योंकि हमारा आंसर आया है नाइन और नाइन ऑब्वियसली थ्री से डिवाइड होता है नाइन डिवाइडेड बाई थ्री इज थ्री और थ्री मल्टीप्लाईड बाई थ्री इज नाइन इस वजह से हम कहेंगे yes. क्योंकि ये टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी क्लियर कर रहा है और थ्री का भी कर रहा है इसका मतलब है कि ये six से भी divide हो सकता है तो इस number के आगे आपका कि दूसरा पार्ट आपसे कहता है बल्कि थर्ड पार्ट है आपकी बुक में फोर थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी एट सिक्स से डिवाइड होता है या नहीं अगेन दोनों आपने क्या चेक करना है कि टू और थ्री डिविजिबिलिटी रूल्स जो रूल अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे सबसे पहले तो आप टू के लिए लास्ट नंबर को देखें यूनिट क्या है इट्स एट और क्योंकि अगर जीरो मीन तो ये वाला जो है टू के लिए तो क्लियर कर गया डिविजिबिलिटी टेस्ट को थ्री के लिए आपने इसके सारे नंबर सारे डिजिट्स को एड करना है सो फोर प्लस वन इज फाइव फाइव प्लस टू इज सेवन सेवन प्लस एट इज फिफ्टीन इसका टोटल जो सम बन रहा है सारे डिजिट्स को मिला के वो क्या है दैट इज 15 15 क्या 15, 3 से डिवाइड होता है है यस यस डेफिनेटली सो ये जो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय क्योंकि डिजिबल और सी दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट इसने क्लियर कर लिया है इसी तरह आपने बाकी दो एग्जाम्पल्स भी करनी होंगी इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन की ताकि आप देख सको कि वो नंबर सिक्स से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज टेस्ट इफ नाइन इज अ डिवाइजर ऑफ अब आपने डिविजिबिलिटी रूल ही अप्लाई करना है बट कौन सा वाला 9 के लिए जो होता है वो 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 का का क्या क्या होता है? 9 का divisibility rule होता होता है 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 कि जो number है, उसका sum जो उसका हो वो 9 से divide होता हो 9 से divisible हो से से तो उसी तरह जिस तरह थ्री में आप डिजिट्स को करते हो आपने यहाँ पर भी डिजिट्स को ऐड करना है आप आपस में टू हंड्रेड एंड सेवन अब आप इसके डिजिट्स को ऐड करोगे टू प्लस जीरो टू

अगर हम मेरे साथ देखें तो इवन नंबर क्या, होते है? क्या होते? है. Number, number exactly तो होता है और नंबर क्या होता है उनकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है कोई भी रिमाइंडर उसमें ना बचता हो क्या होता है वो एक इवन नंबर होता है इसकी एग्जांपल है टू क्योंकि टू को अगर आप टू से डिवाइड करते हो आपके पास वन जो है क्वेश्चन या आंसर आ जाता है कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता फोर फोर को अगर आप टू से डिवाइड करो टू आ जाते हैं 16, 16 को अगर आप टू से डिवाइड करो एट आ जाता है तो क्या हो रहा है इन सब में कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है exactly एग्जैक्टली वो टू से डिवाइड हो रहे हैं तो ये सब है और जो नंबर टू से एक्टली exactly डिवाइड नहीं होता जिसमें रिमाइंडर बच जाता है जैसे कि थ्री थ्री को अगर आप टू से डिवाइड करो टू वन टू और पीछे वन रिमाइंडर बच गया तो इससे क्या हुआ इससे हमें पता चला कि थ्री इज एन ऑड नंबर अब इसका एक आसान तरीका ये भी होता है कि जब आप काउंटिंग में देख रहे होते हो तो ऑल्टरनेटिंग नंबर इवन एंड ऑड होते हैं वन से अगर आप स्टार्ट करें वन ऑड है टू इवन है फोर ईवन है, है इस तरह आप जाते जाओगे और हर एक नंबर के बाद अगला नंबर जो क्या है वो है इवन एंड ऑड सो इट्स मूविंग इन एन ऑल्टरनेटिंग वेमेम्बर कि जिस भी नंबर के एंड में इवन नंबर आते हैं वो पूरा नंबर जो है वो इवन होता है ठीक है जैसे जीरो टू फोर सिक्स एट इवन नंबर है

प्राइम नंबर हमने बिल्कुल इस चैप्टर की बिगिनिंग में भी डिस्कस किया था एक प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका अपने अलावा और वन के अलावा कोई और फैक्टर ना हो जैसा कि सेवनटीन सेवनटीन जो है या आप उसको सेवनटीन से डिवाइड कर, से कर सकते हो और किसी नंबर के टेबल में वो नहीं आता सो वट इज दैट दैट इज प्राइम नंबर बाई डेफिशन विच प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं वन और वो नंबर खुद ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं और इसके अलावा बाकी जो नंबर्स होते हैं हैव मोर देन फैक्टर्स आर नंबर्स तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर थ्री एक प्राइम नंबर है तो फोर एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि थ्री के सिर्फ दो फैक्टर्स हैं वन एंड थ्री जबकि फोर के कॉम्पोजिट नंबर होने की वजह से दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं जिसमें तो फोर भी है वन भी है टू भी है बिकॉज टू मल्टीप्लाई बाई टू इज ऑल्सो फोर

उसका तरीके का ये होता है कि वन को आप पहले ही निकाल देती हो क्योंकि उसके दो फैक्टर्स नहीं है, one सिर्फ अपना है उसके अलावा कोई और उसका फैक्टर नहीं है वन इज नॉट प्राइम नंबर उसके बाद आप आप क्या करते हो? आप two से start करते हो 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 से स्टार्ट को सर्कल कर देते हो, जो भी आपको प्राइम लग रहे हैं एंड देन उसके बाद आप उन सबके मल्टीपल्स से स्टार्ट करते हो उनके मल्टीपल्स को काटना शुरू कर देते हो जैसे टू का अगर मल्टीपल फोर है उसको काट दिया सिक्स है उसको काट दिया थ्री के मल्टीपल्स देखे उन सबको सारे के सारे बॉक्सेस में से कट कर दिया एंड पे जो आपके पास रह जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम होंगे। तो आपने इस तरीके से क्या किया की तरह अलहदा कर लिया हैं है, वो कौन से सो दिस इज एन ईजी वे ताकि आपको प्राइम नंबर वन से लेकर हंड्रेड के, के दरमियान वो याद रह सके इसके साथ हम अगली बार जब करेंगे वो होगी ट्विन प्राइम एंड प्राइम ट्रिपलेट की अब मैथ्स में एक और टर्म हम कह रहे हैं ट्विन प्राइम

प्राइम ट्रिपलेट में क्या होता है कि तीन प्राइम नंबर बिल्कुल आसपास होते हैं और उनके दरमियान एक एक डिजिट जो है पूरा होता है कहीं पर भी काउंटिंग में तीन प्राइम नंबर इकट्ठे साथ साथ नहीं आते सिर्फ यही तीनों जो है इनको हम प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं जो एक है, अग, इसके साथ आज के लेक्चर में हमने जो कुछ डिस्कस करना था वो हमने कवर कर लिया है We've wrapped everything up about prime numbers and factors and all of that that we had to study for today. Inshallah, next lecture we we'll have to start exercise 3B and we'll also get done with it in the same lecture. So see you there, Allah Hafiz.